सेना के वाहन में शहीद अमर शर्मा की पार्थिव देह के पीछे पीछे वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे नारे लगाते हुए हजारों लोग चल रहे थे। शहीद अमर शर्मा की पार्थिव देह जैसे ही उनके गृहग्राम खरई भाट पहुंची, पूरा गांव सहित आसपास के क्षेत्र के लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। हर आंख में आंसू थे। अमर का अंतिम संस्कार रात करीब 11:45 में किया गया। जिस जगह पर उनका अंतिम संस्कार हुआ, वहीं उनकी याद में शहीद पार्क बनाया जाएगा। अमर शर्मा का देहावसान गुरुवार को हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। वे सियाचिन में -30 डिग्री तापमान में देश की सुरक्षा में तैनात थे। शहीद अमर शर्मा की पार्थिव देह रात करीब 8 बजे शिवपुरी पहुंची थी। सबसे पहले शिवपुरी में 18वीं बटालियन गेज पर पहुंचते ही अफसरों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पार्थिव देह को 12 किलोमीटर दूर शहीद के गृहग्राम खरई भाट के लिए रवाना किया गया। शिवपुरी से सेना के वाहन से शहीद के गृहग्राम तक लाया गया। क्या उनका अंतिम संस्कार किया गया? उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए गांव में 50,000 से ज्यादा लोग और 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद रहे। शिवपुरी के शहीद जवान की अंत्येष्टि के लिए सरकारी 3 बीघा जमीन चयनित की गई है, जहां शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी जगह शहीद पार्क भी बनाया जाएगा। शहीद को श्रद्धांजलि देने मंत्री तुलसीराम सिलावट और मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा गांव पहुंचे। अन्य भाजपा पदाधिकारियों के साथ साथ हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे।